नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार से बॉलीवुड में जाने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में। बिहार से बॉलीवुड में आने वालों के अभिनेता और अभिनेत्रियों ने अपनी अलग अलग ही पहचान बनाई है। आज हम आपको ऐसे ही कई बिहारी एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान होंगे कि ये भी बिहारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 में जमशेदपुर में हुआ था। प्रियंका ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। इसके साथ ही प्रियंका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्री में से एक है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 श्रेणियों में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत साल 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला स्टारर फिल्म रन से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया। आज के समय पंकज त्रिपाठी का नाम बेहतरीन बॉलीवुड अभिनेताओं में गिना जाता है। अब बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। नरकटियागंज के रहने वाले मनोज बाजपेयी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत गोविंद निलहानी की फिल्म द्रोखाल से साल 1994 में की थी। मनोज को बॉलीवुड में पहचान फिल्म शूल से मिली। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। उन्होंने पुरस्कार को अपने नाम भी किया है। आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत पटना के रहने वाले थे। उनका परिवार सन 2000 के शुरुआती समय में दिल्ली शिफ्ट हो गया था। सुशांत एक्टिंग के साथ साथ एक शानदार डांसर थे। सुशांत को सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नाम के सीरियल से हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। सुशांत को अपने करियर में लोकप्रियता टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से मिली। सुशांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वहीं से की थी। इसके बाद सुशांत ने लगातार शानदार फिल्मों में काम किया। सुशांत की फिल्म छिछोरे बॉक्स ऑफिस में हिट रही, अच्छी कमाई की थी। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अब आगे हम बात करेंगे प्रकाश झा की। प्रकाश झा पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। प्रकाश झा करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री अंडर द ब्लू से की थी। उसके बाद उन्होंने 8 वर्षों के लंबे अंतराल में कोई डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के दंगों के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसे रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही बैन कर दिया गया। लेकिन प्रकाश को उस शॉर्ट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आगे हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा भागलपुर की रहने वाली है। नेहा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म चिरत से की थी। इसके बाद वो तेरी मेरी कहानी और कॉमेडी फिल्म क्या सुपर कूल है हम में नजर आए। इस फिल्म में उनके अलावा रितेश देशमुख और तुषार कपूर भी दिखाई दिए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की थी। हालांकि उनका अब तक हिंदी फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन वो जल्द ही हेरा फेरी 3 में जॉन इब्राहिम के साथ नजर आएंगी। अब आगे हम बात करेंगे आर माधवन की। आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 में जमशेदपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम रंगनाथ माधवन है, जिसमें रंगनाथ उनके पिता का नाम है। माधवन ने कई साउथ की फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म रहना है तेरे दिल में से मिली थी। साल 2010 में माधवन राजू हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स में नजर आए। इस फिल्म में माधवन के अलावा आमिर खान, शर्मन जोशी और करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। उसके बाद से माधवन फिल्म दुनिया में छा गए। अब आगे हम बात करेंगे तनुश्री दत्ता की। तनुश्री दत्ता का जन्म 19 मार्च 1984 को जमशेदपुर में हुआ था। साल 2008 से तनुश्री संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद वर्ष 2005 में तनुश्री ने फिल्म आशिक बनाया आपने से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद वो कई अन्य फिल्मों में भी नजर आईं, जिनमें चॉकलेट, भागम भाग, ढोल, रिस्क, गुड बॉय बैड बॉय, सास बहू और सेंसेक्स और अपार्टमेंट आदि फिल्म शामिल है। तनुश्री की हिंदी सिनेमा में आखिरी फिल्म वर्ष 2010 में रिलीज हुई अपार्टमेंट थी। अब आगे हम बात करेंगे शेखर सुमन की। बिहार में जन्मे शेखर सुमन एक भारतीय अभिनेता और टीवी कलाकार हैं। शेखर सुमन ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल वाह जनाब से की थी और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म उत्सव से की थी। इसके बाद हम बात करेंगे गुरमीत चौधरी की। गुरमीत चौधरी का जन्म भूमिहार ब्राह्मण परिवार में 22 फरवरी 1984 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। यूं तो गुरमीत जयरामपुर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। गुरमीत का बचपन जबलपुर और चेन्नई में बीता है। गुरमीत
चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। उनका पहला टेलीविजन रामायण था जिसमें उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने कई शो किए। गुरमीत छोटे पर्दे के सफल अभिनेता है। गुरमीत ने फिल्मी करियर की शुरुआत 2015 में महेश भट्ट की फिल्म खामोशियां से की थी। अब आगे हम बात करेंगे श्वेता बासु की। श्वेता बासु का जन्म 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर बिहार में हुआ। हालांकि कुछ साल बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। श्वेता बासु प्रसाद एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस है जो मुख्यतः हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। श्वेता ने अपना एक्टिंग करियर बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस हिंदी फिल्मों और टीवी से की। इसके साथ ही उन्होंने बंगाली तेलुगु तमिल सिनेमा में भी काम किया है। साल 2002 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें फिल्म मकड़ी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। अखिलेंद्र मिश्रा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है जिन्हें 1990 के दशक में दूरदर्शन की काल्पनिक टेलीविजन श्रृंखला चंद्रकांता में उनके किरदार के लिए जाना जाता है। उनके अन्य अभिनयों में 1999 के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सरफरोश में मिर्ची सेठ का रोल शामिल है। उन्होंने अकादमिक पुरस्कार नामित फिल्म लगान में भी काम किया था और इसमें अर्जुन का किरदार निभाया था। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामायण में 2008 के टेलीविजन रूपांतरण में राक्षस राजा रावण की भूमिका निभाई थी। मिश्रा ने 1995 में रिलीज हुई वीरगति में सलमान खान के विरोध का किरदार निभाया था। इसके बाद हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा का जन्म पटना में हुआ था। उनके जन्म पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मशहूर अभिनेता बिस्वजीत भी वहां मौजूद थे। उनके पिता का नाम शंभूनाथ मिश्रा है जो कि मशहूर पत्रकार रहे थे। अमिताभ बच्चन के साथ मिरिंडा के विज्ञापन में आने से पहले संजय ने कई और विज्ञापनों और फिल्मों में छोटे रोल्स किए। उनकी पहली फिल्म थी ओ डार्लिंग ये है इंडिया जिसमें उन्होंने हारमोनियम बजाने वाले की एक छोटी सी भूमिका अदा की थी। इसके बाद उन्होंने सत्या और दिल से जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद हम बात करेंगे सुहासिनी मुले की। सुहासिनी मुले का जन्म 20 नवंबर 1950 को पटना में हुआ था। सुहासिनी बॉलीवुड और मराठी सिनेमा में काम करने वाली एक्ट्रेस है। उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट सपोर्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे विनय पाठक की। विनय पाठक का जन्म 12 जुलाई 1968 को धनबाद में हुआ था। हालांकि वो पले बढ़े भोजपुर बिहार में थे। भारतीय अभिनेता टेलीविजन प्रेजेंटर फिल्म निर्माता और थिएटर कलाकार हैं। वे अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने कई क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों में भी काम किया है जैसे खोसला का घोसला, भेजा फ्राई। उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में भी काम किया था। संदली सिन्हा के बारे में अब हम बात करेंगे। संदली सिन्हा का जन्म 11 जनवरी 1973 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। वो एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस है जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में काम करती हैं। वो अभी तक हिंदी सिनेमा के कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं जिनमें मैं निगहबान द थर्ड आई जैसी फिल्में शामिल है। अब आगे हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला की। शिल्पा शुक्ला का जन्म 22 फरवरी 1982 को बिहार में हुआ था। शिल्पा शुक्ला ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एम के रैना के थिएटर से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म खामोश पानी से की थी। इसके बाद वो निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें में नजर आई। इस फिल्म में आलोचकों द्वारा उनके अभिनय की बेहद सराहना की गई। उन्हें हिंदी फिल्म में पहचान शाहरुख खान स्टारर फिल्म चक दे इंडिया के अक्कड़ बिंदिया नायक की भूमिका में मिली थी। इसके बाद हम बात करेंगे आलोकनाथ की। आलोकनाथ 10 जुलाई 1956 में खगड़िया में उनका जन्म हुआ था। आलोकनाथ ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म गांधी से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में हर तरह की भूमिका अदा की। उन्हें सूरज बड़जातिया और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म में अच्छे पिता का किरदार निभाने से हिंदी सिनेमा में बेहद प्रसिद्धि मिली जिस कारण दर्शक भी उन्हें बाबूजी कहने लगे। इसके बाद हम बात करेंगे श्रुति झा की। श्रुति झा का जन्म बेगूसराय में हुआ। इन्होंने 2006 में एक धारावाहिक धूम मचाओ धूम से अपने अभिनय की शुरुआत की थी जिसमें वो मालिनी शर्मा का किरदार निभा रही थी। उसके बाद श्रुति ने बहुत ही सीरियल्स में भी काम किया। फिलहाल कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा मेहरा का किरदार निभा रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा का जन्म 20 जून 1984 को पटना बिहार में हुआ था। नीतू चंद्रा ने अपने कॉलेज के दिनों में ही पार्ट टाइम मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने कई जानी मानी कंपनियों के विज्ञापन भी किए थे। नीतू चंद्रा ने हिंदी सिनेमा में कदम अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गर्म मसाला से रखा था। इस फिल्म में उन्होंने स्वीटी की भूमिका अदा की थी। उसके बाद उन्होंने तमिल की ओर रुख कर लिया। उनकी पहली तमिल जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी जो कि नीतू के करियर की सबसे बड़ी और पहली फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे ऋचा सोनी की। ऋचा सोनी का जन्म 8 जुलाई 1985 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऋचा हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है और टीवी सीरियल में भी काम कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे रतन सिंह राजपूत की। रतन सिंह राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1990 में बिहार में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जी टीवी पर प्रसारित होने वाले एक सीरियल अगले जन्म
फिल्म मोहे बिटिया ही की जो सीखी थी, जिसमें उन्होंने ललिया नाम के एक ऐसे किरदार निभाया जिसे उसके माँ बाप बेच देते हैं। ललिया के रूप में रतन राजपूत बेहद चर्चित हुई। इसके बाद राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी कि रुचि शर्मा के रूप में भी कामयाबी उन्होंने हासिल की और इस तरह टीवी की जानी पहचानी हस्ती बन गई। इसके बाद हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह की। अभिमन्यु सिंह हिंदी फिल्मों के साथ तेलुगु फिल्मों में भी नजर आए हैं। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत साल 2001 में अमिताभ बच्चन की फिल्म अक्स से की थी। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल के रंसा सिंह के किरदार से मिली थी। हालांकि फिल्म दर्शकों द्वारा नकार दी गई थी, लेकिन आलोचकों ने फिल्म को बेहद सराहा था। इसके बाद हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1946 को पटना में हुआ था। शत्रुघ्न ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साजन फिल्म से की थी, जिसके बाद एक से एक फिल्में आई। फिलहाल शत्रुघ्न राजनीति में आ गए हैं। पहले उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन किया, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म पटना में हुआ था। सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी, लेकिन उनके फिल्मी करियर की शुरुआत काफी शानदार रही। फिल्म दबंग से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वो अब तक कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।